छत्तीसगढ़ के पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पढ़ाई का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। एक सर्वे से पता चला है कि हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ का 30वां स्थान है और संस्कृत महाविद्यालय को नुकसान पहुंचाने के लिए वहां पर इंग्लिश महाविद्यालय खोल दिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आज उस सारी जगह कमल फूल लहरा रहा है और 2023 में उनकी विदाई तय है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा में कितने लोगों को टिकट मिलेगा इसके लिए सीएम को चिंता करने की जरूरत नहीं है। 20वां नंबर पर है आपका शैक्षणिक स्थिति यहाँ की, मतलब संस्कृत महाविद्यालय को कहीं न कहीं से उसको नुकसान पहुंचाने के लिए या उसकी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए ये वहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलना चाह रहे हैं। आज सारे जगह कमल फूल का झंडा लहरा रहा है, भाजपा की सरकार बनी है और मिशन 2023 छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाना ये प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ के जनता ने मन बना लिया है और 2023 में उनकी विदाई तय है।